हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम गाइडर में। आज हम पढ़ेंगे प्रतिरोध। प्रतिरोध चैप्टर ये आपके प्लांट ऑपरेटर से लेकर इलेक्ट्रिशियन में काम आ सकता है। प्लांट ऑपरेटर में भी फिजिक्स के अंदर रेजिस्टेंस है और अपने इलेक्ट्रिकल ITI के अंदर भी प्रतिरोध रेजिस्टेंस है। तो यह है क्वेश्चन, पर ऐसे और भी क्वेश्चन हैं, पर हम इन क्वेश्चन को थोड़ा पहले दूसरे क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर इनको भी करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन है हमारा, एक अंतर्राष्ट्रीय ओम होता है। अब आप सब लोगों ने ओम तो पढ़ा है, ओम क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। इसका CGS मात्रक क्या होता है, ये होता है इसका SI मात्रक। इसका CGS मात्रक क्या होता है, अब ओम। अब ओम मतलब एब्सोल्यूट ओम, एब्सोल्यूट ओम। ठीक है दोस्तों, तो अब इसने पूछा है एक अंतर्राष्ट्रीय ओम। अब अंतर्राष्ट्रीय ओम क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय ओम एक मानक स्थापित किया हुआ है, वो मानक क्या होता है, पारा। पारा जिसको आप जानते हैं मरकरी, मरकरी का एक बेलनाकार स्तंभ जिसका वजन कितना हो, 14.452 ग्राम, 14.452 ग्राम इसका क्या होना चाहिए, वेट यानी वजन यानी भार, कुछ भी कह लो आप। और इसकी जो लेंथ है, ये लंबाई, ये होनी चाहिए 106.3 सेंटीमीटर, 106 सेंटीमीटर लेंथ और 14.452 ग्राम वजन का जो पारे का स्तंभ होगा बेलनाकार, उसका जो प्रतिरोध होगा उसको हम बोलेंगे एक अंतर्राष्ट्रीय ओम। ठीक है दोस्तों, तो एक अंतर्राष्ट्रीय ओम हमारा ये हो गया। एक अंतर्राष्ट्रीय ओम किस होता है, क्या होता है एक अंतर्राष्ट्रीय ओम। अब ये 1.00049, अब ओम 1.0049, अब ओम, या 1.00059, अब ओम, या 1.0059 ओम। तो इसका होता है दोस्तों ए ऑप्शन, एक अंतर्राष्ट्रीय ओम कितना होता है, 1.00049 अब ओम होता है। ठीक है दोस्तों, तो अब अगला क्वेश्चन पाते हैं अपना। अगला क्वेश्चन है मैग्नीन का तापमान ताप गुणांक होता है। ताप गुणांक को किससे अपन रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा से। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक बताएंगे। तो इसमें से आपको देखना है कौन सा है मैग्नीन का, तो मैग्नीन का होता है 1.00025 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। ताप अल्फा ताप गुणांक का मात्रक क्या होता है, प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, या इसको हिंदी में लिखो तो प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, या आप पहले बता चुके हैं। और इसका मान होता है 1.00, मतलब ये ध्यान रख लेना आप दोस्तों के पॉइंट के बाद 5 जीरो आने चाहिए। ठीक है, ये होता है मैग्नीन का ताप गुणांक। हाँ, अगला है एक ओम बराबर कितने अब ओम, मतलब एब्सोल्यूट ओम कितना होता है। तो एक ओम में कितना एब्सोल्यूट होता है ओम, एक ओम में 10 की पावर 9 अब ओम होते हैं। तो अपना बी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट हो जाएगा। पंखे के रेगुलेटर में प्रयोग किया जाता है, हम जानते हैं पंखों के रेगुलेटर में क्या यूज़ किया जाता है, प्रतिरोध यूज़ किया जाता है। तो प्रतिरोध यूज़ करते हैं, तो प्रतिरोध कौन सा यूज़ करते हैं, कॉपर क्या है अपना, कॉपर क्या है अपना, चालक है, तार है, पीतल है, चांदी है, पर हम यूज़ किसको करते हैं, यूरेका। यूरेका आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो पंखे के रेगुलेटर में क्या यूज़ करते हैं, यूरेका दोस्तों। अगला क्वेश्चन अपना पाँचवें नंबर का, सेंसिस्टर होते हैं, सेंसिस्टर। तो सेंसिस्टर होते हैं PTC टाइप। PTC टाइप क्या होता है, मतलब इसका टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। ठीक है, ZTC क्या होते हैं, टेम्परेचर बढ़ेगा पर प्रतिरोध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये क्या रहेगा हमारा, नियत रहेगा। और NTC क्या होते हैं दोस्तों, NTC होते हैं मतलब टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो प्रतिरोध अपना नेगेटिव में जाएगा, मतलब नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशियंट, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशियंट, जीरो टेम्परेचर कोफिशियंट। PTC अपना क्या होता है, सेंसिस्टर। NTC अपना क्या होता है, क्या होता है दोस्तों, NTC आपने पहले पढ़ा है, थर्मिस्टर। और ZTC होता है हमारा मैग्नीन। ठीक है दोस्तों, अब अगले पे आते हैं। कॉपर की प्रतिरोधकता होती है, प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता इंग्लिश में बोलेंगे रेजिस्टिविटी। तो प्रतिरोधकता होती है कॉपर की होती है दोस्तों 1.72 × 10⁻¹ ओम मीटर। यहाँ बड़ा झोलझाल होता है, ध्यान रखना ओम मीटर की जगह कभी कभार ओम सेंटीमीटर देता है। ये तो होता है कॉपर का 1.59 × 10⁻¹ और 2.6 × 10⁻¹। ये किसके होते हैं, तो ये होता है चांदी का और ये होता है एल्यूमिनियम का। और कॉपर का हमारा क्या हो गया, सी आंसर राइट हो गया। ठीक है दोस्तों, अगला करते हैं। नियत प्रतिरोध होते हैं, नियत प्रतिरोध मतलब जो नियत होते हैं, कॉन्स्टेंट होते हैं, वो क्या होते हैं, रेखीय होते हैं। ठीक है, रेखीय होते हैं। उसके बाद आठवां क्वेश्चन आता है हमारा, चलो इसी में बता देता हूँ मैं, अरेखीय कौन से होते हैं, अरेखीय होते हैं परिवर्ती प्रतिरोध, परिवर्ती प्रतिरोध क्या होते हैं, अरेखीय होते हैं। ठीक है, अगला करते हैं आठवां क्वेश्चन। प्रतिरोध के मुद्रित, मुद्रित यानी उसके ऊपर जो लिखा हुआ है, प्रतिरोध के ऊपर
और प्रभावी मूल्य के बीच, प्रभावी मतलब जब अपन उसकी टेस्ट, जब अपन उसको यूज़ कर रहे हैं तो कितना आ रहा है। मान लो कि उस पर लिखा रहा है कि 10 ओम का प्रतिरोध है, पर हम जब काम में ले रहे हैं हमारा तो 8 ओम आ रहा है, तो बीच का डिफरेंस क्या है, 2 ओम। 2 ओम क्या हो गया इसकी, इसको क्या बोलते हैं अपन, सहनशीलता, यानी कि टॉलरेंस। ठीक है दोस्तों, अगला करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 9, प्रतिरोधों के श्रेणीक्रम संयोजन के लिए, श्रेणीक्रम मतलब सीरीज। ठीक है, तो सीरीज के संयोजन के लिए धारा तथा वोल्टेज दोनों परिवर्तित, तो दोनों परिवर्तित होते क्या, नहीं होते हैं। धारा तथा वोल्टेज समान रहते हैं, नहीं रहते, केवल सीरीज में क्या रहती है, धारा समान रहती है, तो धारा समान रहती है, बी ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। ग्रेफाइट से निर्मित प्रतिरोधक को कहा जाता है कारण प्रतिरोध। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्ती प्रतिरोधक का प्रकार है, परिवर्ती प्रतिरोधक मतलब जिसका प्रतिरोध, जैसे थर्मिस्टर हुआ, थर्मिस्टर क्या है हमारा, एनटीसी टाइप का है। ठीक है, रियोस्टेट है, रियोस्टेट आपने 12th में यूज़ किया होगा, अपने वो सरकाने वाला रहता है, ऊपर से अपन उसका योग, सर योग क्या बोलते हैं उसको, विसर्पी कुंजी सरकाते रहते हैं उसको ऊपर, वो रियोस्टेट हो जाता है। एक हो जाता है पोटेंशियोमीटर, तो तीनों के, तीनों के बदलते रहते हैं, तो डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। किस प्रकार का प्रतिरोध वोल्टता पर निर्भर होता है, वोल्टता, वोल्टेज, वोल्टता पर निर्भर क्या होता है, वोल्टता पर निर्भर। LDR क्या होता है, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, ये किस पर होता है, लाइट पर डिपेंड होता है, ये लाइट पर डिपेंड होता है। थर्मिस्टर और सेंसिस्टर, ये तो NTC है और ये PTC है, ये दोनों का ताप पर डिपेंड है, इसमें ताप बढ़ेगा प्रतिरोध घटेगा, ताप बढ़ेगा प्रतिरोध बढ़ेगा। बचा वरिष्ठर, वरिष्ठर को हम VDR भी बोलते हैं, VDR मतलब वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर, तो वोल्टेज पर कौन निर्भर करता है, VDR, सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ये लो दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग मज़ा आ जाना इसको देखते हुए एग्जाम में। 10 मिलियन ओम निम्न में से किसके बराबर होगा, 10 मिलियन, 10 मिलियन हम जानते हैं, 1 मिलियन मतलब कितना होता है, कितना होता है बताओ दोस्तों, कितना होता है, 10 लाख होता है। ठीक है, 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है, तो 10 लाख में कितनी होती है जीरो अपने पास, 1, 2, 3, 4, 5, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख हो गया, ये तो 1 मिलियन में हुआ। अब हमारे पास कितने हैं, 10 मिलियन है, 10 मिलियन में कितना होता है, 1 जीरो एक्स्ट्रा लग जाएगा इस पर। अब देखो दोस्तों, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो हम क्या लिखेंगे, 10 × 10^6, और 10^6 को हम क्या बोलते हैं, मेगा, तो ये क्या, 10 मेगा ओम हो जाएगा, तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट, बी ऑप्शन। 6 बैंड रजिस्टर रंग कोड में निम्न में से कौन सा बैंड तापमान गुणांक, तापमान गुणांक, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे, 5, 6 बैंड होता है, 6 बैंड होता है वो क्या बताता है, तापमान गुणांक बताता है, और जो 5वां बैंड होता है फिर वो क्या बताएगा हमारे, जैसे मान लो 6 बैंड वाला प्रतिरोध है, 3, 4, 5, 6 बैंड हो गए, तो शुरू वाला बताएगा अंक, दूसरा वाला भी अंक, तीसरा वाला क्या बताएगा, क्या बताएगा दोस्तों, तीसरा वाला भी अंक ही बताएगा, अंक कौन सा बताएगा, तीसरा, चौथा वाला क्या बताएगा, चौथा वाला बताएगा उसकी घात, क्या बताएगा, घात बताएगा, पांचवा क्या बताएगा, उसका टॉलरेंस, टॉलरेंस कितना प्रतिशत है, सहनशीलता है, और छठा क्या बताएगा दोस्तों, इसका तापमान गुणांक आ गया, छठा तापमान गुणांक, पांचवा उसका टॉलरेंस, चौथा उसका गुणांक, घात वाला 10^10 कितनी क्या है। जब समान प्रतिरोध R क्या है, समान प्रतिरोध, N प्रतिरोधक एक श्रेणी में संयोजित हैं, प्रतिरोध का मान क्या है, R सीरीज में जुड़े हैं, सीरीज का मतलब एक के बाद एक, कितने हैं ये टोटल, N है, तो हमको याद है कि सीरीज के अंदर अगर प्रतिरोध जुड़ते हैं तो क्या होते हैं, कौन हो जाते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, NR क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब थोड़े हमारे अच्छे क्वेश्चन आ जाएंगे न्यूमेरिकल के, तो ये भी हमारे बहुत पूछे जाते हैं, एक तो पूछा जाता है दोस्तों कोई सा भी, चाहे वो आप इसका ले लो, प्लांट ऑपरेटर का ले लो, चाहे ITI का ले लो, एक क्वेश्चन प्रतिरोध, प्रेरण यानी इंडक्टर, प्रेरक और कैपेसिटर में से आते जाता है कनेक्शंस का, सीरीज पैरेलल में, तो क्वेश्चन क्या है, 47 ओम, 20 ओम, 33 ओम के प्रतिरोध कैसे जुड़े हैं, सीरीज में, कैसे जुड़े हैं दोस्तों, सीरीज में जुड़े, सीरीज में जुड़े मतलब 1, 2, 3, एक कितना है 47 है, एक 20 है, एक 33 है, तो सीरीज में क्या होता है दोस्तों, प्रतिरोध जुड़ता है तो हम जोड़ देंगे, 47 प्लस 20 प्लस 33 कितना हो जाएगा, 47 और 33 कितना हो जाएगा दोस्तों, 80, 80 और 20 क्या हो जाएगा, 100 ओम हो जाएगा, तो हमारा टोटल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 100 ओम, सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इसे अगला क्या है, समांतर में जुड़े प्रतिरोधों
20 ओम, 100 ओम, 50 ओम का समरूप प्रतिरोध पता लगाएं। समांतर में जुड़े हैं दोस्तों, समांतर में क्या होते हैं, समांतर में से जुड़े हैं, मतलब एक दो तीन, ये होते हैं समांतर में। तो एक है हमारा 20 ओम, एक 100 ओम, एक 50 ओम, तो इनका अपन तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालते हैं दोस्तों, तो इनका हम तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 करके। तो 1/R1 कितना हो जाएगा 1/20, 1/100, 1/50, इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 100, 5 प्लस 1 प्लस 2, 5 टू 7, 8 बाय 100। तो ये तो क्या है 1/RT आया, RT जी हमको तो RT क्या हो जाएगा 100/8 हो जाएगा, 8×8, ठीक है दोस्तों, बचा कितना 2, 8×2=16, 8×3=24, 3 ज़्यादा हो जाएगा 8×2=16, बचा 4, पॉइंट लगाए 0 लगाया तो 8×5=40, 12.5, दो ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे कर लेना, समांतर क्रम का भी समझ में नहीं आया तो दोबारा देख लेना, इसको कोई दिक्कत नहीं है। प्रत्येक एक ओम के 3 प्रतिरोधों को संयोजित करके, अब आगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन इंटरेस्टिंग आते जाएंगे और वो फर्स्ट वाले क्वेश्चन का भी हम जवाब देंगे। प्रत्येक एक ओम के 3 प्रतिरोधों को संयोजित करके एक त्रिभुज बनाया गया है। एक ओम के प्रतिरोध है 3, उनको क्या बनाया, त्रिभुज बनाया, ये लो ये बना दिया हमने त्रिभुज, ये बना दिया हमने त्रिभुज, ठीक है। इसका भी एक ओम, इसका भी एक ओम, इसका भी एक ओम, किन्हीं दो कोनों के मध्य, कोने कितने हो गए 3 कोने, कोई से भी दो के मध्य क्या होना चाहिए, तुल्य प्रतिरोध अपन को ज्ञात करना है। तो हमने मान लिया ये और ये, ये और इसके बीच में लेंगे, तो ये वाला प्रतिरोध और ये वाला प्रतिरोध सीरीज में आ रहे हैं, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़कर जुड़ जाएंगे, तो ये ऐसे बन जाएगा अपना कनेक्शन। हमको तो यहाँ निकालना है ना, इसको हटाओ, ये क्या हो गया 2 ओम हो गया, ये 1 ओम हो गया, अभी दोनों क्या है समांतर में हो गए, समांतर में हो गए, समांतर में क्या होता है 2 होते हैं प्रतिरोध, अपन ऐसे निकाल लेते हैं R1 × R2 / R1 + R2। तो R1 क्या हो गया 1 × 2 + 2 2/3, तो हमारा 2/3, तो कौन सा आंसर राइट होगा, बी आंसर हमारा राइट हो गया दोस्तों। अब अगला करते हैं, 10 ओम प्रतिरोध वाले तार को मोड़कर एक वृत्त बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, हमारे पास एक तार है ये ए बी, इसका प्रतिरोध कितना है पूरे का 10 ओम, इसका अपन ने क्या बना दिया, वृत्त बना दिया, ठीक है, ये ए को ही घुमा के हमने ये भी यहाँ लिया है, ये बना दिया एक वृत्त, इस पूरे तार का प्रतिरोध कितना है 10 ओम है। किसी भी व्यास के 2 बिंदुओं, ये व्यास है, इसके 2 बिंदु हो गए, के मध्य प्रभावी प्रतिरोध, मतलब ए और बी, इन ये जो 2 बिंदु है इन दोनों बिंदुओं के मध्य कितना प्रतिरोध होगा, तो ये हमको पता है पूरा कितने का था 10 ओम का, व्यास है मतलब आधा आधा हो गया, तो ऊपर वाला कितना बचा 5 ओम, नीचे वाला कितना बचा 5 ओम, और दोनों बिंदुओं पे ये सर्किट ऐसा बन गया, ऐसा बन गया ना दोस्तों, 5 ओम इधर 5 ओम इधर, तो ये क्या हो गया समांतर में हो गए। समांतर में हम कैसे निकालते हैं, R1 × R2 / R1 + R2, तो 25 और 5 और 5 10, तो 10 में 25 का भाग देंगे तो 2.5, डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा राइट। आपको कैलकुलेशन तो स्ट्रॉन्ग रखनी पड़ेगी थोड़ी सी। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, 100 ओम के 100 प्रतिरोधक समांतर क्रम में संयोजित हैं। 100 ओम का एक प्रतिरोध है, नहीं हमारे पास 100 प्रतिरोध है, क्या है समांतर में, तो जब समांतर में समान मान के प्रतिरोध होते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है RT = R/N, और जब सीरीज में होते हैं तो क्या होता है RT = NR, ये हमने NR वाला भी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। समांतर में क्या होता है R/N, तो हमारा प्रतिरोध कितना है 100 ओम, कितने हैं N, प्रतिरोध की संख्या 100, तो RT क्या हो जाएगा 100 में 100 का भाग देंगे तो 1 ओम, सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा। चलो हम ये वाला क्वेश्चन लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में आप सोच रहे होंगे कि ये 10 ओम या 10 ओम, तो आंसर क्या आना चाहिए, दोनों क्या है सीरीज में है, पर ये जो आपने ये तार लगा है, इस तार का मतलब है आपको पता है कि धारा हमेशा किस दिशा में गति करती है, जहाँ उसको न्यूनतम न्यूनतम बाधा हो, न्यूनतम बाधा बाधा क्या उत्पन्न करता है प्रतिरोध आर, तो ये जो आपने शॉर्ट सर्किट कर दिया है तो यहाँ से धारा आएगी, तो धारा किधर निकल जाएगी, इधर निकल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर प्रतिरोध ही नहीं है, तो धारा यहाँ चल जाएगी, यहाँ से यहाँ आ जाएगी, वापस इसमें आ जाएगी, आगे कोई क्योंकि रास्ता और नहीं है तो यहाँ आएगी, यहाँ आने के बाद ये इस प्रतिरोध में से निकलेगी, तो हमारा एक्टिव प्रतिरोध क्या हुआ ओनली 10 ओम, ये हमारा किसी काम में आया तो हम इसको पूरा देंगे, तो ए और बी के बीच में टोटल प्रतिरोध कितना हो गया हमारा 10 ओम। ठीक है दोस्तों, अब ये वाला करते हैं, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखो 10 ओम का ये है, 10 ओम का ये है, 10 ओम का ये है, ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध निकालना है कितना है। तो अब दोस्तों धारा अगर हम इस हिसाब से लेंगे, यहाँ से यहाँ निकलेगी, तो फिर ऐसे नहीं हो पाएगा ये, तो हमको इसमें थोड़ा लॉजिक अलग लगाना पड़ेगा। ये बिंदु क्या है ए है, ये बिंदु क्या है बी, अब क्या है ये शॉर्ट सर्किट है, तो यहाँ पर जो वोल्टेज होगा, यानी कि यहाँ पर जो इसका ये जो पॉइंट होगा, ये यहाँ पर भी वही होगा, ठीक है, ये आप लगा लेना, शॉर्ट सर्किट होगा तो यहाँ पर ए, तो यहाँ पर भी ए ही बनेगा, यहाँ पर भी ये भी शॉर्ट सर्किट हो रहा था, यहाँ पर भी
बी ही बनेगा। दिखने में सीरीज़ में लग रहा है दोस्तों, पर ये सीरीज़ में नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी ये हो गया, यहाँ पर भी हो गया। अब देखो ए और बी के बीच में भी है ये 10 ओम, वापस ए और बी के बीच में भी ये 10 ओम है, और ए और बी के बीच में भी यही 10 ओम है। तो ये सर्किट कैसा बन गया, ये 10 ओम ए और बी के बीच, ये 10 ओम और ये 10 ओम। तो ये किसमें होगा दोस्तों, समांतर में। समांतर में कैसे निकालते हैं, 10 10 10, तीनों 10 10 के हैं, तो आर टी बराबर आर बटा एन करते हैं। आर कितना है 10, एन कितना है 3, 3 का भाग 10 में देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। समझ में नहीं आया हो तो वापस देख लो, ये शॉर्ट सर्किट करते हैं हमने, तो यहाँ पर जो इसकी पोलरिटी ध्रुवता रहेगी वही ध्रुवता कहाँ जाएगी, यहाँ पर ए पर, और यहाँ पर जो बी पर रहेगी वही कहाँ आ जाएगी, यहाँ पर बी पर। तो ये भी बी हो जाएगा और ये ए हो जाएगा, तो ए और बी के बीच में ये भी आ जाएगा, ए और बी के बीच में ये भी आ जाएगा, ए और बी के बीच में ये भी आ जाएगा, तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, समांतर में हो जाएंगे, ठीक है दोस्त। अगला करते हैं हम, ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है, चलो करते हैं इसको शुरू। अब देखो इन्होंने क्या दिया है, 70 वोल्ट की बैटरी है, 5 ओम का प्रतिरोध है, 2 एम्पियर धारा इधर से जा रही है, इस प्रतिरोध में से आर अपन को दे नहीं रखा है, 7 ओम का आर दे रखा है हमको, इधर से आर निकालना ये वाला, ठीक है। तो इस आर को कैसे निकालेंगे, इसको थोड़ा समझाने के लिए मैं डायग्राम को दोबारा बनाता हूँ आपके लिए। ये क्या है 5 ओम का प्रतिरोध, ये बना दिया मैंने 5 ओम का प्रतिरोध, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये क्या है 7 ओम का प्रतिरोध, इसके तो सीरीज़ में ही ना ये, देखो इधर से ये गई धारा फिर गई वहीं, तो इसके सीरीज़ में ही, तो इसमें बना देता हूँ, ये बना दिया मैंने 7 ओम का प्रतिरोध, ये मैंने लगा दी बैटरी, बैटरी कितनी वोल्ट की अपने 70 वोल्ट की। अब देखो दोस्तों ये आर कहाँ जुड़ा हुआ है, 7 ओम प्रतिरोध के पॉइंट पे जुड़ा हुआ है ना ऊपर समांतर में, तो ये 7 ओम प्रतिरोध ही रहा, इस पर हम जोड़ देंगे इस आर को, और आर में कितनी धारा है 2 एम्पियर, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरी बात सुनो, आपने किरचॉफ का नियम पढ़ा होगा, किरचॉफ के 2 नियम होते हैं KCL KVL, तो हमारे को इस वाले से काम है। KCL में क्या होता है, किरचॉफ करंट लॉ के अंदर होता है कि किसी बिंदु पर या किसी नोड पर आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है, मतलब जितनी इस नोड पे आ रही है धारा उतनी ही यहाँ से जाएगी, तो आने वाली का योग और जाने वाली का योग बराबर होता है। तो हम यहाँ पर इस नोड पर लेंगे, तो इस बिंदु पर इस नोड पर धारा किधर से आएगी, इधर से आएगी, ये आ रही है धारा, इसको हमने माना I1 है, ठीक है दोस्तों। ये I1 5 ओम में से निकल कर आई है, अब यहाँ पर आकर 2 भागों में बट गई, आधी तो इधर जाएगी आधी इसमें जाएगी, तो इसमें गई है वो कितनी हो गई है 2 एम्पियर, और इधर आई उसको हम क्या लिख देते हैं I2, ठीक है दोस्तों। तो अब इसके हिसाब से यहाँ से क्या बनेगा, I1 आई, आने वाली कितनी I1, और जाने वाली क्या है 2 एम्पियर ही है और I2, ये समीकरण बनती है। अब इसमें अब देखो, अब आपने पढ़ा होगा ओम का नियम, वी बराबर IR होता है, तो यहाँ से R को हम इधर भेज देंगे, पक्षांतरण कर देंगे, तो वी बटा आर क्या हो जाएगा I, ठीक है दोस्तों। तो हम अब I1 है, I1 मतलब यहाँ से गुजर रही है, उससे पहले हमको वोल्टेज का थोड़ा करना पड़ेगा व्यवस्था, तो देखो चल अभी पहले लिख ही लेते हैं ना, तो यहाँ का बी और यहाँ का आर क्या हो जाएगा 5 ओम, अब वोल्टेज क्या होगा, अभी 70 वोल्ट है, 70 वोल्ट क्या है इस पूरे पे है, मतलब यहाँ इस बिंदु का और इस बिंदु का जो वोल्टेज है वो क्या है 70 वोल्ट, मतलब इन दोनों का जो यहाँ से यहाँ तक का जो वोल्टेज का अंतर है वो 70 वोल्ट। तो हमने माना यहाँ का वोल्टेज कितना है 70, और यहाँ का वोल्टेज कितना है 0, तो 70 अंतर आ गया। आप चाहो तो यहाँ पे 10 और यहाँ पर 80 भी मान सकते हो, यहाँ 20 यहाँ पे 90 भी मान सकते हो, हमको तो 70 वोल्ट का अंतर करना है बस। अब यहाँ 0 है यहाँ 70 है, तो मैंने माना यहाँ पर एक्स वोल्ट इस बिंदु पर, क्योंकि मेरे को पता नहीं है, तो ठीक है। अब आगे करते हैं, I1 धारा वापस इधर आ जाते हैं, I1 धारा इसमें से आ रही है, तो इस प्रतिरोध पे केवल इस प्रतिरोध पर वोल्टेज कितना होगा, इस प्रतिरोध का एक सिरा ही रहा एक सिरा ही रहा, तो 70 में से हम किसको घटाएंगे x को, वोल्टेज ऐसे निकालते हैं, इन दोनों का वोल्टेज डिफरेंस कितना हो जाएगा 70 माइनस x, और इसका प्रतिरोध कितना है 5 ओम, क्योंकि I बराबर क्या है V बटा R, V वोल्टेज कितना निकाला 70 माइनस x केवल इसका, और 5 ओम इसका प्रतिरोध हो गया, बराबर 2 एम्पियर को ऐसा कैसे लिख देंगे I2 मतलब इस प्रतिरोध में से जो धारा जा रही है। अब इस प्रतिरोध का I2 है, तो I2 बराबर क्या हो जाएगा V बटा R, तो यहाँ का वोल्टेज कितना हो जाएगा X माइनस 0, इसका वोल्टेज ये है X माइनस 0, इसका अंतर आ जाएगा, और प्रतिरोध कितना है 7 ओम,
तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इनको इसको सॉल्व करके 70 माइनस एक्स अपॉन 5 बराबर इसका एलसीएम ले लेंगे 7, ठीक है। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 7 इंटू 7 माइनस 7x बराबर 5x, ठीक है। ये माइनस का उधर जाके प्लस का होगा और ये प्लस का इधर जाके माइनस का होगा, तो 490 माइनस 70 5x प्लस 7x, तो क्या हो जाएगा ये 490 में से 70 गए तो 420 और 7 और 5 12x, तो x बराबर क्या आ जाएगा 420 बटा 12 वोल्ट। ये तो क्या है आपने पास x की वैल्यू, यानी इस पॉइंट पे वोल्टेज। अब देखो दोस्तों यहाँ से खेल अब आसान हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक का वोल्टेज हमको पता है और जितना वोल्टेज यहाँ होगा उतना ही वोल्टेज यहाँ होगा क्योंकि इसके समांतर है, तो यहाँ का वोल्टेज भी कितना हो गया 420 बटा 12 और यहाँ 0। तो हमको पता है यहाँ पर धारा कितनी आ रही है 2 एम्पियर, वोल्टेज कितना है ये, तो हम प्रतिरोध निकाल सकते हैं कैसे, तो V बराबर आई आर, तो R बराबर क्या हो जाएगा V बटा I R, ठीक है। V कितना है यहाँ से यहाँ के बीच में 420 बटा 12 माइनस 0, 0 करेंगे, और I कितना है तो बटा में I कितना हो जाएगा 2, ठीक है दोस्तों। अब ये कितना हो गया R बराबर 420 बटा 12 बटा 2, क्योंकि 0 घटाएंगे तो वही आ जाएगा। अब देखो यहाँ क्या होता है, बटा 2 है, इसको क्या करते हैं हम इसको ऊपर लाते हैं तो ये क्या उल्टा हो जाता है, ऐसे ये बटा 1 करो इसको ऊपर लाते हैं तो ये उल्टा हो जाता है, ये कैलकुलेशन आपको सीखनी पड़ेगी। 420 बटा 12 इंटू 1 बटा 2। अब देखो अब इसको हम सॉल्यूशन करेंगे तो इसका आंसर 5 करूँ, चलो करता हूँ, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 12 से काटेंगे तो 12 एकम 12, 12 से नीचे 2 से काट देते 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 6 से कर देते हैं 6 एकम 6, 4 बचा 6 सत्ती 42, 3 बचा पॉइंट लगाया 0 लगाया 6 पंजे 30, 17.5 ओम इसका क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू फॉर वॉचिंग।